मजबूत शुक्र ग्रह के लक्षण तथा शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धनवस्त्र ऑनलाइन के ऊपर। पिछले काफ़ी समय से अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमेशा हमारी चर्चा होती आ रही है, जैसे करियर, सरकारी नौकरी, पितृ दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, विवाह, प्रेम विवाह, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, राजयोग, शुभ योग, दुर्योग, अशुभ योग, पंच महापुरुष योग, प्रत्येक लग्न तथा प्रत्येक राशि के ऊपर विस्तार से माहिती, राशिफल जैसे अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमेशा हमारी चर्चा होती आ रही है। इसे YouTube चैनल धनवस्त्र ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस देकर के संपूर्ण माहिती आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ के कारक शुक्र ग्रह को कहा गया है। लक्ष्मी जी के कारक शुक्र ग्रह को कहा गया है। लग्जरी के कारक यानी कि कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्ट के कारक शुक्र ग्रह को कहा गया है। स्त्री यानी कि आपकी पत्नी के कारक शुक्र ग्रह को कहा गया है। आरामदायक जीवन, सुखद जीवन, इन सभी के कारक शुक्र ग्रह को कहा गया है। शुक्र ग्रह के कारकत्व के विषय में किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, आज शुक्र ग्रह के बलवान होने के कुछ लक्षण के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, जब भी कोई ग्रह स्वराशि में बैठा होगा यानी कि खुद की राशि में बैठा होगा तो वह बलवान अवस्था का ग्रह हो जाता है। शुक्रदेव की टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि तथा लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि, ये दोनों ही स्वराशियाँ होती हैं। इनमें जब भी शुक्र ग्रह बैठते हैं तो बलवान अवस्था के शुक्र ग्रह माने जाते हैं। शुक्र ग्रह बुध तथा शनिदेव को अपने मित्र ग्रह मानते हैं। जैसे मनुष्य में भी मित्रता शत्रुता होती है, वैसे ही ग्रहों में भी मित्रता शत्रुताएं होती हैं। बुध ग्रह की मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, शनिदेव की मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन होती है। इन्हीं में से किसी भी राशि में अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए होंगे तो वह बलवान अवस्था के शुक्र ग्रह कहे जाएंगे। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच राशि के हो जाते हैं, इसलिए कन्या राशि को हटा करके मिथुन, मकर तथा कुंभ राशि में अगर शुक्र ग्रह बैठे हैं तो वह बलवान अवस्था के शुक्र ग्रह कहे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह की उच्च राशि मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन होती है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, जब भी कोई ग्रह उच्च राशि का बैठा हुआ होगा तो वह बलवान अवस्था का ग्रह कहा जाता है। काल पुरुष कुंडली की बात करें तो 12वें स्थान में पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि का निर्माण होता है, जहां के शुक्र उच्च राशि का फल देते हैं। इसलिए अगर शुक्र 12वें स्थान में बैठे हुए होंगे तो वह उच्च स्थान में बैठे हुए होंगे। उच्च स्थान में जब भी शुक्र बैठे हुए होंगे तो मजबूत अवस्था के शुक्र ग्रह कहे जाएंगे, यानी कि 12वें स्थान में शुक्र ग्रह बलवान अवस्था के कहे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक और नियम है, जब भी शुभ कर्तरी योग में कोई भी ग्रह अथवा तो स्थान आ जाता है तो वह स्थान अथवा तो ग्रह मजबूत अवस्था का बन जाता है, शुभ प्रभाव देता है। शुभ कर्तरी योग के विषय में विस्तार से माहिती प्राप्त करने के लिए इसी YouTube चैनल धनवस्त्र ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में ज्योतिष शास्त्र सीखे प्लेलिस्ट में शुभ कर्तरी योग के विषय में आपको संपूर्ण माहिती मिल जाएगी, वहां से आप माहिती प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। शुभ कर्तरी योग में जब भी शुक्र ग्रह बैठे हुए होंगे तो वह बलवान अवस्था के शुक्र ग्रह कहे जाएंगे। इसी प्रकार से अगर शुभ ग्रह के साथ में युति में बैठे हुए होंगे शुक्र ग्रह तो वहां पर भी मजबूत अवस्था के शुक्र ग्रह हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति तथा बुध ग्रह दोनों ही शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हुए दिखाई देते हैं। इनके साथ जब भी शुक्र ग्रह बैठ जाते हैं तो बहुत अलग अलग महत्वपूर्ण योग बनाते हुए दिखाई देते हैं। सर्वाधिक अच्छी परिस्थिति में शुभ ग्रह की युति में शुक्र ग्रह प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा की गणना इसलिए मैं नहीं करूंगा कि वहां पर, क्योंकि शुक्र ग्रह के साथ में युति में जब भी लग्न कुंडली में बैठे होंगे चंद्रमा तो खुद पापक ग्रह की श्रेणी में आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि पक्ष बल से कमज़ोर होते हैं। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का एक और नियम है, जहां पर ग्रह बैठता है उससे ज़्यादा जहां पर दृष्टि होती है वहां फल अधिक देता है। इसलिए किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर शुक्र ग्रह के ऊपर जाती है तो शुक्र ग्रह और खिलखिला करके सर्वश्रेष्ठ फल देते हुए दिखाई देते हैं, बलवान अवस्था के शुक्र ग्रह हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह की
उच्च राशि का उल्लेख दिखाई देता है, लेकिन उसमें भी अंश का भी महत्व देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि शुक्र ग्रह का अगर एग्जांपल लेते हैं तो शून्य से लेकर के 27 अंश के मध्य में शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च राशि का फल देते हैं तथा 27 अंश पर एग्जैक्ट बैठे हुए होंगे, एग्जैक्टली 27 पॉइंट्स पर ही अगर शुक्र ग्रह बैठे हुए होंगे तो वह परम उच्च अवस्था के हो जाएंगे। भले ही वहाँ पर बाल अवस्था के हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बलवान अवस्था के परम उच्च अवस्था में ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में षडबल का उल्लेख भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। प्रत्येक ग्रह को उन 6 अलग अलग प्रकार के बल में एक बल होता है दिग्बल, यानी कि स्थान बल। जिस स्थान में ग्रह बैठता है वहाँ पर डायरेक्शन दिशा कौन सी बन रही है। शुक्र ग्रह जब भी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठ जाते हैं तो वह दिग्बली कहे जाते हैं। दिग्बली होने की वजह से वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फल देते हुए दिखाई देते हैं। शुक्र ग्रह की तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन स्वराशि तो होती ही है, लेकिन शुक्र ग्रह की वही मूल त्रिकोण राशि भी कही जाती है। इसलिए अगर लिब्रा साइन यानी कि तुला राशि में शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 10 अंश के मध्य में बैठे हुए होंगे तो वहाँ पर शुक्र ग्रह मूल त्रिकोण राशि का फल देंगे, ना कि स्वराशि का। स्वराशि का फल 11 से लेकर के 30 अंश के मध्य में देंगे। इसलिए अगर मूल त्रिकोण राशि में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो बहुत सर्वाधिक बलवान अवस्था का ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र का एक और नियम है, अति विशिष्ट कारक स्थान में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो वह पूरी कुंडली को निखार देता है, सर्वश्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। जन्म कुंडली के 12वें स्थान में शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। 12वें स्थान में अगर शुक्र ग्रह बैठते हैं तो जन्म कुंडली में सर्वाधिक बलवान अवस्था के ग्रह शुक्र ग्रह माने जाते हैं। शुक्र ग्रह एक जल तत्वीय ग्रह यानी कि वाटर एलिमेंट रखने वाले ग्रह कहे गए हैं तथा राशियों की बात करें ज्योतिष शास्त्र में तो कुल 12 राशियाँ हैं, जिनमें से कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि, ये सारी ही जल तत्वीय यानी कि वाटर एलिमेंट रखने वाली राशियाँ होती हैं। अगर इनमें से किसी भी राशि में अगर शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए होंगे तो वहाँ पर शुक्र ग्रह तत्व से बलवान होंगे, तत्व का बल उनको मिलेगा और बलवान अवस्था के शुक्र ग्रह कहे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र का एक और नियम है, अंश बल में युवा अवस्था का ग्रह हमेशा ही मजबूत अवस्था का ग्रह कहा जाता है। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में 12 से लेकर के 18 अंश के मध्य में किसी भी राशि अथवा किसी भी स्थान में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो वहाँ पर वह युवा अवस्था के शुक्र ग्रह कहे जाएंगे और युवा अवस्था के शुक्र ग्रह हमेशा ही बलवान अवस्था के शुक्र ग्रह, मजबूत अवस्था के शुक्र ग्रह माने जाते हैं। ये हमने कुछ लक्षण के विषय में चर्चाएं करी कि शुक्र ग्रह किस प्रकार से हम माहिती प्राप्त कर सकें कि बलवान अवस्था के हैं। अब हम शुक्र ग्रह को मजबूत करने के उपाय के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक लिंक दिखाई दे रही होगी, जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर टच करेंगे हमारे एक और वीडियो शुक्र ग्रह को बलवान करने के उपाय के ऊपर सीधे ही आप डाइवर्ट हो जाएंगे, वहाँ पर संपूर्ण माहिती प्राप्त कर पाएंगे। मिलते हैं उस वीडियो में।